हेलो गाइस से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं तो इस वीडियो में मैं ऐसा टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं जो आपको काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है और इसको लेकर आप काफ़ी ज़्यादा परेशान भी रहते हो तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं जैसा कि आप डेली रूटीन में अपना आधार कार्ड यूज़ करते हो कहीं ना कहीं जैसे आपको कहीं रूम बुक करना हो या फिर कोई भी चीज़ आपको वेरीफाई कराना हो तो वहाँ पे आपका आधार कार्ड नेसेसरी होता है और आपका आधार कार्ड नहीं होता है तो वो चीज़ आप नहीं कर पाते हो तो कई बार होता है कि आप डेली रूटीन में ऐसा होता है कि कहीं पे आपका आधार कार्ड गिर गया हो खो गया हो या कहीं रह गया हो तो उस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हो तो उस चीज़ से आप परेशान ना हो मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी चीज़ बताऊंगा कि अगर आपका आधार कार्ड गुम भी गया है और आपको आपके आधार कार्ड नंबर नहीं पता है तो किस तरीके से उसको फाइंड किया जाता है तो ये चीज़ मैं आपको बताऊँगा क्योंकि डेली रूटीन में ये चीज़ें होती रहती है सभी के साथ होती है मेरे साथ नहीं सभी के साथ ये चीज़ प्रॉब्लम आती है कि आपका आधार कार्ड खो गया है और ना ही तो उसका ना आपके पास नंबर है ना और कुछ है तो उसको आप वेरीफाई कैसे करें निकाले कैसे वापस कैसे प्रिंट करवाएँ या फिर आपका आधार कार्ड नंबर कैसे देखें कि क्या था तो वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा तो सबसे पहले इसमें जो मेन चीज़ है वो क्या होनी चाहिए आपका मोबाइल नंबर उसमें रजिस्टर्ड होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आपका मोबाइल नंबर उसमें कौन सा जुड़ा हुआ है तो आप ये चीज़ आसानी से कर पाओगे नहीं तो और भी तरीके हैं बाकी इस चीज़ को खोजने के लिए लेकिन अगर ये चीज़ आपके पास होगी उसमें मोबाइल नंबर अपडेटेड होंगे तो तो आप आसानी से उसको खोज पाओगे और आसानी से उसके जो आधार नंबर है वो आप फाइंड कर पाओगे किस तरीके से करना है वो सारी बात बताऊंगा इस वीडियो में तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और बात करते हैं किस तरीके से फाइंड किया जाता है आधार कार्ड अगर आपका खो गया है तो किस तरीके से निकाला जाता है वो सारी बात करते हैं डिटेल वाइज वीडियो को एंड तक देखते रहिए और लास्ट में एक टिप देने वाला हूँ वो जरूर आप देख के जाइए अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोज़ की अपडेट आपको हमेशा मिलती रहे तो नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना तरीके ओके तो कहीं वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं हैं तो बात करते हैं क्या क्या प्रोसेस आपको अप्लाई करना है अगर आपका आधार कार्ड खो गया है और आपको नंबर वगैरह याद नहीं है है आधार नंबर तो किस तरीके किस तरीके तरीके से से फाइंड किया जाता डाउनलोड किया जाता है वो बात करने वाले हैं तो स्टेप बाई स्टेप मैं आपको बताता रहूंगा आप फॉलो करते रहिए वीडियो को स्किप मत कीजिए क्योंकि स्किप कर दोगे तो आपको ये स्टेप पता नहीं चलेगी तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे आपको क्रोम ब्राउजर में आ जाना है सिंपली यहाँ पे आई डी आई की ऑफिशियल साइट है वो ओपन कर लेनी है तो इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पे आने के बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करना है नीचे स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पे देखिए थर्ड ऑप्शन आपको दिखाई देगा इस ऑप्शन पे आपको चले जाना है यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है क्लिक हेयर टू फाइंड आउट आधार कार्ड नंबर एंड एलोनमेंट आई तो दो तरीकों से इसको फाइंड किया जा सकता है तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके का ओपन होके आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा तो ये देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे आधार कार्ड नंबर और यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर दो चीज़ से आप इसको फाइंड कर सकते हो जैसे एनरोलमेंट नंबर आपके पास पहले पड़े हो तो वो आप अप्लाई कर सकते हो लेकिन मैं इससे नहीं बताऊंगा क्योंकि आप जैसे आधार कार्ड खो गया है तो आपके पास नॉर्मल सी बात है कि जब नंबर ही नहीं होंगे तो एनरोलमेंट नंबर कहाँ से होंगे अगर है तो आप ढूंढ सकते बाकी आपके पास आधार नंबर वगैरह नहीं है तो आप इसी ऑप्शन पर क्लिक कीजिए मैं आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन से निकाल के बताऊँगा एनरोलमेंट नंबर मेरे पास नहीं है तो मेरे आधार नंबर वाले ऑप्शन से आपको बताऊँगा तो आधार नंबर कैसे फाइंड करना है वो आप को इस पर फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है यहां पे आपको अपना नाम देना है जो जनादा तो यहाँ पे आपको अपना नाम देना है जो आपके आधार कार्ड में था या मोबाइल नंबर देना है जो आपके मोबाइल नंबर लगे हुए थे आधार कार्ड में वो मोबाइल नंबर देना है और ये जो कैप्चा है वो यहाँ पर फिलअप कर देना है ये तीनों चीज़ें मैं लगा के और यहाँ पे आपको बता देता हूँ अगर आपकी मेल आई थी तो आप मेल आई से भी फाइंड कर सकते हो मेरी मेल आई उसमें लगाई हुई नहीं है तो मैं यहाँ पर अपना ही आधार कार्ड आपको डाउनलोड करके बताऊँगा ठीक है तो यहाँ पर मैं सर्च कर देता हूँ और यहाँ पर केवच्चा फिलअप कर देता हूँ कैपिटल है तो कैपिटल लगाना है स्मॉल है तो स्मॉल कैरेक्टर लगाना है जैसा है वैसा कि वैसा आपको यहां पर फिलअप कर देना है देन आपको एंटर कर देना है यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है सेंड ओ टी पी इस पर आपको क्लिक करना है जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओ टी पी जाएगा ये देखिए इस तरीके से आ जाएगा ओ टी पी जनरेटेड सक्सेसफुली तो अब ओ टी पी मेरे मोबाइल पर आ चुका है मैं यहाँ पर ओ टी पी सबमिट कर देता हूँ यहाँ पर मैंने ओ टी पी डाल दिया है और यहाँ पर मैं सबमिट कर देता हूँ जैसे ओ टी पी डालने के बाद मैं सबमिट हाईलाइट हो जाएगा इस पर क्लिक कर देना है जैसे क्लिक करोगे तो ये देखिए आपका जो आधार नंबर है वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया गया है तो यहाँ पर मेरे पास मेल भी आ चुका है और यहाँ पर देखिए फ़ोन नंबर पर मेरे पास मैसेज आया मैं स्क्रीन आपके साथ ज़रूर शेयर कर रहा हूँ वो देख लीजिए आप स्क्रीन पर तो इस तरीके से आपको आधार नंबर मिल जाएंगे वो आधार नंबर आपको क्या करना है यहाँ पे बता देता हूँ कि आगे की क्या प्रोसेस क्या रहेगी तो वो आधार नंबर जो आया है वो यहाँ पे आपको फिलअप करना है यहाँ पे डाउनलोड आधार में तो इसको ओपन करना है यहाँ पे आधार नंबर लगाना है कैप्चर लगाना है और यहाँ ओ पे करोगे तो ओ डाल के सबमिट कर देना है तो आपका जो आधार कार्ड है वो डाउनलोड हो जाएगा और आप सिंपली उसे ओपन कर सकते हो अगर आपको उसको पासवर्ड नहीं पता है तो पासवर्ड में बता देता हूँ जो आपके फर्स्ट में चार लेटर है नाम के वो लगाना है कैपिटल में और जो आपकी डेट ऑफ ईयर है वो ईयर लगानी है ओनली ठीक है तो ये आपका पासवर्ड रहेगा आपके आधार कार्ड को ओपन करने का आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा अगर समझ आया तो प्लीज दोस्तों लाइक से जूर कीजिए कॉमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए थैंक यू दोस्तों बाय बाय टेक केयर जय हिंद वंदे मातरम